कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग फर्स्ट क्लास होंगे। 30,000 रुपीस में बहुत सारे भाई लोग ऐसा फोन चाहता है जिसमें सिक्योरिटी भर भर के हो। अभी के टाइम आप लोगों को पता है कितना ज्यादा अनसिक्योर हमारा लाइफ है, तो फोन तो कम से कम सिक्योर हो। सिक्योरिटी का बात आए और वहाँ पे सैमसंग का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बजट में कोई भी ब्रांड अगर अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो सैमसंग ही प्रोवाइड करता है। 30,000 रुपीस के अंदर सैमसंग बहुत जल्द उसका ए सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी A54 5G लेकर आ रहा है। इस सीरीज के लिए बहुत सारे लोग बेसब्री से रुके हुए हैं और बहुत सारे लोग इंतजार भी करता है। यही एक सीरीज है जिसमें सैमसंग उसका नॉक सिक्योरिटी का फुल वर्जन देता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M54 5G का फर्स्ट लुक दिखाऊंगा, उसके साथ साथ किस डेट को इंडिया में लॉन्च होगा और क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बैक साइड की तरफ ग्लॉसी पैनल देखने को मिल जाएगा, पॉलीकार्बोनेट यूज किया जाएगा लेकिन हाई क्वालिटी का पॉलीकार्बोनेट होगा, क्रैचेस वगैरह बहुत कम आएगा। लुक के मामले में काफी अच्छा कंपटीशन देने वाला है, लेकिन कैमरा के आसपास देखोगे इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है। सैमसंग इस बार नंबर में नहीं गया है, ट्रिपल सेंसर बैकसाइड की तरफ देखने को मिलता है और ये जो डिजाइन है या ये जो कैमरा का स्टाइल है कहीं ना कहीं सैमसंग के एस सीरीज का जैसा ही यहाँ पे दिया है। डिस्प्ले भी काफी अच्छा होगा, 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और नीचे जो चेन साइड में जो बेजल्स वगैरह है वो बहुत ही पतला पतला है। पंच होल सेल्फी कैमरा के साथ आता है, कम बेजल्स के वजह से ना एक अच्छा लुक देता है। और हम सभी लोगों को पता है सैमसंग का डिस्प्ले यानी कि जहर डिस्प्ले, अगर आप ज्यादा मूवी ज्यादा वीडियो वगैरह हो इससे अच्छा फोन मार्केट में शायद नहीं मिलेगा, यानी कि डिस्प्ले के मामले में खतरनाक डिस्प्ले है। जो कलर कंट्रास्ट वगैरह होता है ना वीडियो का, मतलब सच में दोस्तों जबरदस्त होता है। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस बार दिया जाएगा। एक तो सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तबाही मचा देगा मार्केट में। कैमरा की तरफ देखते हैं, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं इस बार नंबर में नहीं गया है। 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर, इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग उसके एस सीरीज में जो सेंसर यूज करता है इस फोन में भी वही सेंसर दिया जाएगा। अगर वही सेंसर आ जाए ना बजट में तहलका मचा देगा कैमरा के मामले में। सच में दोस्तों सैमसंग का कैमरा वैसे भी अच्छा होता है और अगर फ्लैगशिप सेंसर आ जाए मत ही पूछो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिल जाएगा। डेप्थ सेंसर आप लोगों को मेन सेंसर से ही मिल जाएगा, यानी कि ऑप्टिमाइज करके डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहां पे रहेगा। इस बार बैक साइड से 4K 30fps करके आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सेल्फी में फुल HD 60fps करके। 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, लेकिन एक माइनस पॉइंट है, इस बार भी आप लोगों को आउट ऑफ बॉक्स चार्जर नहीं दिया जाएगा, अलग से आप लोगों को चार्जर खरीदना पड़ेगा। 25 वाट का चार्जर सपोर्ट रहेगा। 25 वाट का चार्जर का जो प्राइस है वो 2000 रुपीस है, तो फोन खरीदने के साथ साथ 2000 रुपीस देकर आप लोगों को फास्ट चार्जर भी खरीदना पड़ेगा। 3.5mm जैक इस बार भी नहीं रहेगा। सैमसंग इस बार मीडियाटेक के साथ आएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 चिपसेट। यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड है, हर जगह में अच्छा अच्छा चीज रहेगा, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करेगा ना, तो इस बार प्रोसेसर में स्लाइटली कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। कम से कम एक्जिनोस का प्रोसेसर नहीं दिया है यार, ये बहुत अच्छा किया है, वरना फोन तो वही दम तोड़ देता। खैर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 चिपसेट ठीक ठाक चिपसेट है, लेकिन वो 15-16 हजार में आता है, 25 हजार के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन सैमसंग लेकर आ रहा है। प्रोसेसर को छोड़ के ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन देखोगे किलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो बेस वेरियंट होगा 6GB 128GB के साथ आएगा और एक वेरियंट आएगा 8GB 128GB। जो बेस वेरिएंट होगा 6GB 128GB वो 25,000 में इंडिया में लॉन्च होगा। अगर इसी प्राइस में लॉन्च होता है ना तो मार्केट में तहलका मचा देगा। सच में दोस्तों जबरदस्त स्मार्टफोन रहने वाला है और बताया जा रहा है लीक्स के अनुसार ये फोन फरवरी के फर्स्ट वीक में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग एक्साइटेड हो के नहीं इस फोन के लिए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फोन आने के बाद हम लोग वाटर टेस्ट के साथ साथ रिव्यू वगैरह डिटेल में करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फोन वैल्यू फॉर मनी फोन है कि नहीं रिव्यू करने के बाद, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपके कोई भी फ्रेंड सैमसंग का बहुत बड़ा फैन है तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।